हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिद्लिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे लिथियम आयन सेल्स के बारे में। आगे मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ लिथियम आयन सेल्स के बारे में बताऊंगा और वर्किंग ऑफ लिथियम आयन सेल्स के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। और हम ये भी देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन सेल्स। बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, इधर एक एनिमेटेड वीडियो है। ये वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे समझ आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा कैसे लिथियम आयन सेल वर्क करता है। लास्ट में मैं फिर से ये वीडियो प्ले करके आप लोगों को दिखाऊंगा, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे लिथियम आयन सेल वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टॉप करूंगा और पीपीटी को ओपन करूंगा। अब हम डिटेल में देखेंगे वर्किंग ऑफ लिथियम आयन सेल। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एप्लीकेशन कहाँ पे लिथियम आयन सेल या फिर लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है। लिथियम आयन सेल आजकल डिफेंस में यूज किया जाता है, एरोस्पेस में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, ऑयल ड्रिलिंग में, और आपके फोन पे जो बैटरी यूज किया जाता है ना, वो भी लिथियम आयन सेल ही है। एंड लैपटॉप्स पे एंड पावर टूल्स पे एंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स पे, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक, ऐसे और भी बहुत सारे डिवाइस में लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लिथियम आयन सेल। इधर आप लोग देख सकते हो, एक सिंपल इमेज है लिथियम आयन सेल का। द फंडामेंटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो गाइस, इधर आप लोग देख सकते हो, ये रहा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो ये रहा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर एंड करंट कलेक्टर्स। तो इधर आप लोग देख सकते हो, टोटल 2 करंट कलेक्टर्स है। अब मैं आप लोगों को सभी कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। हम पहले देखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बारे में, बाद में हम देखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, फिर हम देखेंगे सेपरेटर के बारे में, फिर लास्ट में हम देखेंगे करंट कलेक्टर्स के बारे में। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। गाइस, इधर आप लोग इमेज देख सकते हो नेगेटिव इलेक्ट्रोड। द इमेज शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज ऑफन एन अलॉय और मेटल और हाइड्रोजन। तो गाइस, ये रहा मटेरियल के बारे में। अब हम देखेंगे वर्किंग। ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस द नेगेटिव इलेक्ट्रोड गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू द एक्सटर्नल सर्क्यूट। जब आप लिथियम आयन सेल को डिस्चार्ज करोगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड गिव अप करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्क्यूट को। एंड ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक्सपेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्क्यूट। जब आप लिथियम आयन सेल को चार्ज करोगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड अलो करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम एक्सटर्नल सर्क्यूट। लास्ट में मैं एनिमेटेड वीडियो आप लोगों को प्ले करके दिखाऊंगा, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे लिथियम आयन सेल वर्क करता है। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस इट इज द एनोड, बट ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस इट इज द कैथोड, बट मोस्ट पीपल स्टिल कॉल इट एनोड। गाइस, इसको ड्यूरिंग डिस्चार्ज में इसे एनोड कहा जाता है एंड ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस में इसको कैथोड कहा जाता है, फिर भी लोग इसे एनोड ही कहते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। गाइस, इधर आप लोग इमेज देख सकते हो, सिंपल इमेज है। द इमेज शोज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज ऑफन ए मेटालिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक्सपेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्क्यूट। जब आप डिस्चार्ज करोगे लिथियम आयन सेल को तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स अलाउ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम एक्सटर्नल सर्क्यूट। एंड ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, जब आप लिथियम आयन सेल को चार्ज करोगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू द एक्सटर्नल सर्क्यूट। जब आप लिथियम आयन सेल को चार्ज करोगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करेगा एक्सटर्नल सर्क्यूट को। एंड ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकम कैथोड। जब आप लिथियम आयन सेल को डिस्चार्ज करोगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकम्स कैथोड एंड ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस इट बिकम्स एनोड, बट मोस्ट पीपल स्टिल कॉल इट कैथोड। तो गाइस, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को कैथोड कहा जाता है, बहुत लोग इसे कैथोड बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली हम देखेंगे तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज कैथोड एंड ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज एनोड, फिर भी लोग इसे कैथोड ही बोलते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गाइस, इधर आप लोग देख सकते हो, एक सिंपल इमेज है। When electrons moves into the external circuit, ions must move internally to the cells. जब electrons इधर से external circuit में move होगा तो ions है ना internally move होगा इधर से इधर या फिर vice versa, ठीक है। Cations are ion with net positive charge as shown in the image. इधर आप लोग देख सकते हो इमेज में, ये रहा पॉजिटिव चार्ज।
आयन। ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस दे मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस में ए आयन मूव होगा सेपरेटर के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस में इधर से इधर मूव होगा, ठीक है, आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आएगा थ्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर। एनियंस आर आयन विथ नेट नेगेटिव चार्ज। इधर आप लोग देख सकते हो येरा सिंबल। ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस दे मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। गाइस ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस में इधर से इधर मूव होगा, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड को मूव होगा थ्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर। आगे मैं एनिमेटेड वीडियो प्ले करूंगा, उसमें आप लोग ठीक तरह से देख सकते हो। द इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर इंटरनल आयन चार्ज टू ट्रांसफर बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट पाथ प्रोवाइड करता है जिससे आयन्स मूव होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड या फिर कैथोड टू एनोड। द इलेक्ट्रोलाइट इज ऑफन सॉल्वेंट कंटेनिंग डिसॉल्व्ड केमिकल्स सच एज बेस एसिड और सॉल्ट प्रोवाइडिंग आयोनिक कंडक्टिविटी। तो गाइस ये रहा फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सेपरेटर एंड करेंट कलेक्टर्स। इधर आप लोग देख सकते हो इमेज है, सिंपल स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था ना वही इमेज है। द फंक्शन ऑफ सेपरेटर इन लिथियम आयन सेल इज टू इलेक्ट्रिकली आइसोलेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए सेपरेटर्स प्रोवाइड किया जाता है टू अवॉइड सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ द सेल एंड शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए। ओके, सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ द सेल एंड शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए सेपरेटर प्रोवाइड किया जाता है लिथियम आयन सेल्स में। द सेपरेटर इज ऑफन मेड फ्रॉम फाइबर ग्लास मेट और पॉलीमर। ठीक है, ये रहा सेपरेटर के बारे में। अब हम देखेंगे करंट कलेक्टर्स के बारे में। द फंक्शन ऑफ करंट कलेक्टर इज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट टू द सेल टर्मिनल्स। इट इज मेड अप ऑफ मेटल फ्यूल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को टर्मिनल्स तक लाने के लिए करंट कलेक्टर्स यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे वर्किंग, फाइनल वर्किंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। व्हाइल द बैटरी इज डिस्चार्जिंग एंड प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रिक करंट द एनोड रिलीजेस लिथियम आयन्स टू द कैथोड जनरेटिंग ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन साइड टू अदर। गाइस ड्यूरिंग डिस्चार्ज में इधर से इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्क्यूट को फ्लो होगा और इधर आयन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को फ्लो होगा इंटरनली। ड्यूरिंग डिस्चार्ज कंडीशन में नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्क्यूट में फ्लो होगा एंड आयन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में फ्लो होगा थ्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर। When plugging in the device, जब आप lithium ion cell को charge करोगे the opposite happens. The lithium ions are released by cathode and received by anode. Guys, जब आप lithium ion cell को charge करोगे तो condition reverse रहेगा, इधर से electrons external circuit को flow होगा and ions इधर से इधर flow होगा, positive electrode से negative electrode में flow होगा through separator and electrolyte. तो guys ये रहा working and construction of lithium ion cell. अब मैं एनिमेटेड वीडियो प्ले करूंगा, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे लिथियम आयन सेल वर्क करता है। गाइस इधर आप लोग देख सकते हो एरा एनिमेटेड वीडियो। ड्यूरिंग डिस्चार्ज कंडीशन पे आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्क्यूट से जा रहा है एंड आयन्स आप लोग देख सकते हो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। अब हम देखेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग में। तो गाइस इस वीडियो को मैं थोड़ा स्किप करूंगा। इधर आप लोग देख सकते हो ड्यूरिंग चार्जिंग कंडीशन पे इधर आप लोग देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्क्यूट में फ्लो होगा और इधर से आयन्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में फ्लो होगा। तो ये रहा दोस्तों वर्किंग ऑफ लिथियम आयन सेल। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन सेल। पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। ठीक है, लिथियम आयन सेल एज सेल्फ डिस्चार्ज वेरी स्लो, लिथियम आयन सेल डिस्चार्ज बहुत ही स्लो होगा तो एक एडवांटेज है। द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द लिथियम आयन सेल इज 80%, एफिशिएंसी इसका बहुत ही हाई है। एंड लिथियम आयन सेल एक रिचार्जेबल बैटरी है एंड लो मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस बहुत ही लो है। तो गाइस ये रहे एडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन सेल। अब हम देखेंगे ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन सेल।
पहला डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन सेल्स इज वेरी हाई, इसका कॉस्ट बहुत ही हाई है। सेकेंड ड्रॉबैक है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इज रिक्वायर्ड, आप लोग लिथियम आयन सेल यूज करना चाहते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल में या फिर बाइक में, तो आप लोगों को उसके साथ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज करना पड़ेगा जो मॉनिटर करेगा स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ हेल्थ और सेल बैलेंस करेगा, ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करेगा, तो ये कंपलसरी है। सेंसिटिव टू ओवरचार्ज लीड्स टू एक्सप्लोजन, अगर आप लिथियम आयन सेल को ओवरचार्ज करोगे तो समटाइम्स ब्लास्ट हो सकता है। तो गाइस ये रहे ड्रॉबैक्स ऑफ लिथियम आयन सेल्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।